24 घंटे के अंतराल में हुई दो हत्याओं से संस्कारधानी जबलपुर दहल गई। गरा थाना इलाके के कोस्टा मोहल्ले में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, तो वहीं गोरखपुर में भी एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही मामले में हत्या करने वाले आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें की पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो गोरखपुर थाने में हुई हत्या का CCTV वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम अंधुआ का रहने वाले 22 वर्षीय युवक जितेंद्र रैदास की गोरखपुर थाना अंतर्गत कुम्हार मोहल्ला के पास देर रात चाकू से हमला कर दिया गया। हमले से अधिक खून बह जाने के कारण उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोरखपुर पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र पर हमला करने वाले 2 से 3 आरोपी हैं, जिनका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मृतक जितेंद्र गुरुवार रात घर से दशहरा देखने को निकला था। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपियों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था, तभी गोरखपुर थाना अंतर्गत कुम्हार मोहल्ला में हत्या करने वाले आरोपियों को जबलपुर पुलिस तलाश कर ही रही थी कि गरा में भी एक 22 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी अज्ञात बताए जा रहे हैं, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक युवक का नाम अक्षय लखेरा है, जो कि सौंदर्य प्रसादन की दुकान संचालित करता था। बताया जा रहा है कि बीती रात 2 बजे वह घर में ही था, तभी उसके पास किसी का कॉल आया और वह कपड़े पहनकर चला गया और सुबह तक वह वापस नहीं आया। वहीं परिजन भी यह सोचते रहे कि वह चल समारोह में ही घूम रहा है। वहीं आज पुलिस को सूचना मिली कि कोस्टा मोहल्ला के ही खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा हुआ, जिसकी पर गरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां देखा कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अब मृतक अक्षय के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रही है, साथ ही यह भी जानकारी जुटा रही है कि आखिरी बार रात को अक्षय लखेरा को किसने कॉल किया था। ये हमारे भाई हैं, छोटे, 3rd नंबर के हैं ये। क्या घटना का तो मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मतलब चल समारोह में थे हम। उसके बाद में जब वहाँ से प्रारंभ होने से मतलब अंत तक साथ में ही थे, साथ में होने के बाद में ये हमसे वहाँ से अलग हो गया है। अलग होने के बाद में किसके साथ में कहाँ गया, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं है। पुलिस के द्वारा जो सूचना हमको मिली थी तो वो बताया गया है कि मतलब मेरे को फ़ोन आया घर से, उन्होंने बताया कि मतलब हमारे भाई का मर्डर हो चुका है, किसी ने कर दिया है। अब किसने किया है किसने नहीं किया ये सारी चीज़ें हमको अभी पता नहीं है, अब ये पुलिस के द्वारा पता चलेगी। आपको किसी पर शक है क्या? अभी शक तो नहीं है, एक उसकी गर्लफ्रेंड है, अब वो पता नहीं क्या है, उसका भाई कैसा है, ये सारी चीज़ें कुछ हमको पता नहीं है। उसके अब पुलिस जाकर उस जगह पर जाएगी तो उसके बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है। कौन है, कहाँ रहते हैं? मैं गढ़ा बावली कोस्टा मोहल्ला के पास में रहता हूँ। ये क्या बोलते हैं, झारिया मोहल्ला, गढ़ा बाजार, केवट मोहल्ला। मृतक का क्या नाम है? मृतक का अक्षत लखेरा। कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, एक अभी अज्ञात शव कोस्टा मोहल्ला के पास मिला है, जिसके भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी उसको PM के लिए बॉडी को भेज दिया गया है मेडिकल, और वहाँ से जैसे ही PM हो जाता है तो फिर उस पर पता चलेगा कि वो मतलब किसी घटना दुर्घटना के कारण हुआ है या किसी के द्वारा उसे मारा गया है। ऐसा प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है कि उनको किसी धारदार हथियार से मारा गया है, मगर इसकी पुष्टि PM के बाद ही हो पाएगी कि वो चोट किस कारण कारित हुई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 01 1886 9770 22 99 99।